हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे भाई, अगर आपके फोन में आपका व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, भाई व्हाट्सअप आप ओपन कर रहे हो और व्हाट्सअप आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई व्हाट्सअप आजकल आपको पता ही भाई बहुत काम की चीज है, तो उसके बिना आजकल काम चलता नहीं। भाई कोई भी बात हो, डॉक्यूमेंट हो या कोई भी आपको लोकेशन भेजनी हो, भाई आपको बताया व्हाट्सअप से ही भेजते हो, तो व्हाट्सअप अगर ओपन नहीं हो रहा है, ओपन तो हो जाता है, मतलब भाई उसमें मैसेज आपके नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक व्हाट्सअप मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो मैंने एक व्हाट्सअप ओपन कर ली है, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कोई भी मैसेज, हाई हेलो का ही करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक अकाउंट बना रखा है इसीलिए हाय लिखते हैं भाई, ठीक है। मैं यहाँ से सेंड करूँगा। अब देखिए यहाँ से मैंने सेंड कर दिया, पर यहाँ पर ये घड़ी का निशान बना रहेगा। ये देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल नेट मेरा ऑन है, नेट मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है, बिल्कुल ऑन है। पर यहाँ पर भाई देखो इसमें मैसेज नहीं जाने का है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में भी आती है कि भाई आपके फ़ोन में जो है आप मैसेज भेज रहे हो, मैसेज नहीं जा रहे, मैसेज जाएगा तो भाई ना कोई वीडियो जाएगी ना कोई फोटो जाएगी, मतलब कुछ भी आपका व्हाट्सअप वर्क नहीं करेगा। तो अगर सेम प्रॉब्लम आपके फ़ोन में भी आ रही है, तो भाई सबसे पहले अपना रिचार्ज चेक कर लेना कि आपके फ़ोन का रिचार्ज तो ख़त्म नहीं हो गया। आपको पता है भाई, आप ध्यान नहीं देते और रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आए तो भाई सबसे पहले आपको करना है, अपने फ़ोन को एक बार आपको एरोप्लेन मोड को ऑन करना पड़ेगा। एरोप्लेन मोड को ऑन कर देना और भाई 10 सेकंड आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 10 सेकंड का। 10 सेकंड वेट करने के बाद इस एरोप्लेन मोड को हटा देना। उसके बाद जो है आपको एक काम और करना है, अपने फ़ोन की भाई सेटिंग्स के अंदर जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में अंदर जाने के बाद आपको जाना होगा, ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको या ऐप्स करके कोई दूसरा मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप भाई ऊपर यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ऐप्स लिखोगे तो आपके ऐप्स का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो इसमें ऐप मैनेजमेंट है, यहाँ चलते हैं ऐप मैनेजमेंट के अंदर और ऐप लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। आपके सारे फ़ोन की जितनी भी ऐप्स हैं सारी आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद आप भाई आपको व्हाट्सअप इसके अंदर देख लेना है, इसको भी आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर व्हाट्सअप लिखेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा यूजेज डिटेल्स का, ठीक है, ये वाला आपको क्लिक करना है। और इसके अंदर भाई आपको दो सेटिंग्स दिखाई देंगी नीचे, डिसेबल मोबाइल डाटा, डिसेबल वाईफाई। तो ये अगर भाई ये सेटिंग ऑन हो जाती है तो इसका मतलब आपके फ़ोन का व्हाट्सअप का, ठीक है, फ़ोन में आपके में नेट चलता रहेगा, सब कुछ यूज़ करते रहोगे, लेकिन आपके व्हाट्सअप का मोबाइल डाटा डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा और वाईफाई भी डिसेबल हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर आना है और इन दोनों को चेक कर लेना है। अगर ये दोनों सेटिंग ऑन है, दोनों को यहाँ से ऑफ कर देना है, बैक चले जाना है। उसके बाद जब आप अपना भाई व्हाट्सअप यहाँ से करोगे ओपन, ये देखिए अब यहाँ पर दोनों मैसेज जा चुके हैं। अब मैं और भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख कर दोबारा हाय लिखते हैं फिर भेजेंगे। अब देखिए तुरंत मैसेज जा रहा है। तो भाई इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सअप पर, ना मैसेज जा रहे हैं, ना वीडियोज जा रहे हैं, ना फोटोज जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई आप वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियोज देखनी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।